प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सिविल टेक्निकल टर्म्स में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, सिविल टेक्निकल टर्म्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम जो कॉलम के केस में जो हमारी टाइज होती हैं, यानी कि ये टाइज होती हैं जो ये हमारा कॉलम है जैसे कि, ठीक है, और ये उसके स्टील बार्स हैं, ठीक है, मेन बार्स, जैसे ये मेन बार्स होगी, ठीक है, तो ये नंबर वाइज होते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये हमारे मेन बार होगी, और ये बीच के होते हैं जो यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं कि ये हमारी स्टीरिप्स यानी कि टाइज हैं जो हमारी इन केस ऑफ कॉलम, इनका साइज़ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हाउ टू कैलकुलेट द टाई साइज ऑफ द कॉलम, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉलम है, ये है हमारा 12 इंच बाय 12 इंच। 12 इंच मतलब, 12 इंच का क्या मतलब हुआ, 12 इंच इज इक्वल टू 1 फीट, ठीक है, और 24 इंच इज इक्वल टू 2 फुट, ठीक है। तो कि इसका जो हमारा, ठीक है, ये टाई बनेगी, इसका हमने साइज़ कितना लेना है, यानी कि जो ये टाइज हमेशा जो होती है 8 mm डाया बार, 8 mm डाया बार की हमारी जो है टाइज होगी इन केस ऑफ कॉलम एंड इन केस ऑफ बीम जो हमारी होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टीरप्स बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, स्टीरप्स, ठीक है, तो इन्हें हम स्टीरप्स बोलते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि इनका साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि ये हमें कितनी काटनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम उसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं कि वो हमें कितनी काटनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो हमारे चैनल पे अभी न्यू जुड़े हैं उनके प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिविल टेक्निकल टर्म्स, और बेल आइकन को दबाएं, ठीक है फ्रेंड्स, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, का जो हमारे कॉलम का साइज़ है वो 24 बाय 12 इंचज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका साइज है जो, तो यहाँ पे जो ये गैप होता है ना बीच में, ठीक है, ये गैप, इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, कवर ब्लॉक, कवर ब्लॉक क्या कहते हैं इसको, जो हम यहाँ पे इस टाइप का होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, इनके इस टाइप का होता है ये, इसे हम कवर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। और जो कवर ब्लॉक का साइज है, कवर ब्लॉक का साइज होता है वो कितना होता है, 40 mm इन केस ऑफ कॉलम। तो 40 mm को हम इंचेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो 40 mm को इंचेस में कन्वर्ट करते हैं, तो जो हमारे 10 mm होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, 10 mm की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.394 इंचेस, ठीक है। तो इसको हम इंटू 4 कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा 40 mm का आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.57 इंचेस, ठीक है, तो 1.5 इंचेस, तो 1.5 इंच हम इस रिंग से माइनस कर देंगे, ठीक है ना, 1.5 इधर से माइनस कर देंगे, 1.5 उधर से माइनस कर देंगे, यानी कि कवर ब्लॉक है जो हमारा वो, ठीक है ना, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इतना हम यानी कि माइनस कर देंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इतना माइनस करके जो हमारा, जो हमारा, ठीक है फ्रेंड, इतना माइनस करके जो हमारा साइज बचेगा, यानी कि जैसे 24 इंचेस है, तो हम टोटल इसमें से 24 इंचेस में से, ठीक है फ्रेंड्स, तो 1.5 × 2 इधर से भी, इधर से भी, या इधर से ऐसे लंबाई है ना, तो इसकी ऐसे एल है, तो इधर से भी 1.5 इंच माइनस कर देंगे, और इधर से भी 1.5 इंच माइनस कर देंगे, तो 1.5 इंच और 1.5 इंच कितना हो गया हमारा, 3 इंच, 3 इंच माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 21 इंचेस, ठीक है।
और ऐसे ही हम इस साइड से करेंगे। इस साइड की जो लेंथ है हमारी वो कितनी है फ्रेंड्स, इस साइड की जो लेंथ है ना हमारी वो है कितनी, 12 इंचेस। ठीक है, तो सेम इस साइड से भी ऐसी है, इधर भी इतने कवर ब्लॉक लगेगा और इस साइड भी इतने कवर ब्लॉक लगेगा। ठीक है, इस साइड से भी हम 3 इंचेस माइनस कर देंगे तो कितना बच गया हमारा, 9 इंचेस। तो 9 इंचेस बच गया ना फ्रेंड्स। तो अब देखिए इसकी लेंथ कितनी बनेगी। ठीक है, और अब बात करते हैं हुक की। ये जो हमारी हुक होती है इसे हम हुक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, हुक। ठीक है, और ये बेसिकली ना ऐसे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ये ऐसे ताकि हमारा जो रिंग होता है ना इधर उधर जाए ना, ऐसे प्रोवाइड की जाती है। बट साइड्स पे इसे ऐसे ऐसे ही प्रोवाइड कर देते हैं कभी कभी। ठीक है ना, कि जैसे मान लो ये मान लो हमारा रिंग बन गया। ठीक है, तो हमारा रिंग यहाँ पे जाके इधर को ऐसे मुड़ेगी, इस साइड से ऐसे होती है। ठीक है, बट बेसिकली इसे ऐसे प्रोवाइड करना होता है, याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, और जो ये इसका साइज लेंगे ना हम यहाँ से, जो हमारा यहाँ से इतना होगा यहाँ तक इस रिंग का हुक का साइज वो कितना होता है, यानी कि इसमें हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे, 1.5 इंच इसका और 1.5 इंच इसका, यानी कि 3 इंच प्लस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 इंच हमारे हुक के क्या हो जाएंगे, प्लस 3 इंच। तो अब टोटल जो हमारी लेंथ बनेगी वो कितने की बनेगी। ठीक है, तो जो हमारा रिंग का साइज हो जाएगा वो क्या होगा हमारा फ्रेंड्स, 21 इंच × 9 इंच। ये हमारा जो हो जाएगा टाइज का साइज, यानी कि हमारे रिंग का साइज। ये वैसे तो ये 21 इंच × 9 इंच का हमारा, ये 21 इंच × 9 इंच का हमारा जो है साइज बन जाएगा टाइज का। ठीक है, जो हम प्रोवाइड करेंगे तो इसकी टोटल लेंथ कितनी बनेगी। ठीक है ना, अब इसे हमें काटना है। ये मान लो हमारा 8 mm का डाया बार है। ठीक है, तो इसकी लेंथ है हमारी मान लेते हैं हम 10 फीट है। ठीक है, 10 फीट से है, हमने 10 फीट की हमारी लेंथ है। हमें इसमें से कितना काटना है कि हमारी एक टाई बन जाए कॉलम के लिए। ठीक है, तो देखिए 21, देखिए हमारा 21 है ना, 21 कहाँ से आया था हमारा इसका, क्योंकि 21 इस साइड से होगा और 21 इस साइड से होगा, तो क्या हो गया 21 × 2 हो जाएगा। और 9 ये इस साइड से यहाँ तक, 9 इंच × ये 9 इंच यहाँ पे हो जाएगा, तो कितना हो गया, तो ये क्या होगा इसका साइज होगा, इसका साइज होगा हमारा 21 इंच + 21 इंच + 9 इंच + 9 इंच। क्यों आए 9 इंच, क्योंकि हमारा नीचे भी 9 इंच और ऊपर भी, इधर 21 है हमारा, इधर भी 21 है। ठीक है, प्लस 3 इंच, ये क्यों लिया हमने, बिकॉज ऑफ हुक के कारण। ठीक है, तो हुक के कारण ये हमने 3 इंच लिया है। तो टोटल कितना हो गया हमारा फ्रेंड्स, ये देखते हैं टोटल कितना हो गया, 21 + 21 + 9 + 9 + 3, यानी कि 63। तो 63 इंचेस हम इसमें से निकाल लेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, 63 इंचेस की हमारी जो है लेंथ कट जाएगी। तो ये हमारी जो है 10 फीट की थी। ठीक है ना, 10 फीट में हमारे कितने इंचेस हो गए। ठीक है, 10 फीट 10 फीट, 1 फीट में कितने होते हैं, 1 फीट = 12 इंच। तो 10 इंच में कितने हो गए, 10 × 12, तो कितने हो गए हमारे फ्रेंड्स, 120 इंचेस। यानी कि ये 120 इंचेस, यानी कि मान लो यहाँ तक इसका हाफ हो जाएगा, 60 इधर हो गया और 60 इधर हो गया, 60 इंचेस 60 इंचेस। तो हमें कितना काटना है, 63। तो हम यहाँ से लेके इसकी मान लो यहाँ तक निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो गया हमारा, 63 इंचेस। तो 63 इंचेस की जो है हमने क्या करनी है फ्रेंड्स, इसमें 63 इंचेस की हम लेंथ काट लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए सिविल टेक्निकल टर्म्स। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे न्यू न्यू वीडियो लेके आते रहेंगे, तो आप कृपया हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।